नमस्कार किसान भाइयों, बाजार रिपोर्ट चैनल पर मैं हेमंत यादव आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और आज दिनांक की बात करें तो 23 अगस्त 2024 हो चुका है। तो आज के इस वीडियो में हम आलू के अपडेट आपको देने वाले हैं। आलू में क्या बाजार देखने को मिल रहा है, कितनी गाड़ियां हैं, ग्राहक की कैसी चली, सभी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से शेयर करेंगे। और हमारा जो फेसबुक पेज है बाजार रिपोर्ट के नाम से, उस पर थोड़ा सा प्रॉब्लम है, बाकी उस पर वीडियो नहीं आएंगे। दूसरा पेज तैयार किया है तो उस पर वीडियो आएंगे, उसका लिंक है डिस्क्रिप्शन में है, तो आप वहाँ पे जाके फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए लेते हैं आज का अपडेट, आलू में क्या बाजार देखने को मिला। कैसे हो अनिल जी? बस बढ़िया, आप सुनाओ। बहुत बढ़िया सर। तो आज आलू में क्या अपडेट रहा, कितनी गाड़ियाँ हैं सर? 35 गाड़ी कल की बैलेंस है, 65 गाड़ी आज की आवक है। अच्छा जी, हाँ 100 गाड़ी है, 100 गाड़ियों के आसपास है माल। तो आज तो फिर बाजार डाउन हुआ होगा कुछ? बाजार तो बढ़िया, आलू तो वही बिक रहे हैं 24-25-26 के। अच्छा जी, हल्के आलू बिक रहे हैं 18-20 के। तो क्वालिटी हल्की ज्यादा आ रही है या सही आने लग गई? क्वालिटी तो देखो 20% आलू आता बढ़िया। अच्छा, 80% हल्का ही आता। बिल्कुल सर। तो आज बैलेंस रहेगा इसका मतलब? कल भी बैलेंस, बैलेंस नहीं रहा मंगलवार से। बिल्कुल सर, बिल्कुल। कल 35 गाड़ी थी, परसों 28 गाड़ी थी, ऐसे करके बैलेंस टूट रहा नहीं, अभी तक टूटा नहीं बैलेंस। ग्राहक की कैसी चल रही है सर? ग्राहक की तो थोड़ी है आज। अच्छा जी, हाँ थोड़ी बहुत है, लेकिन इतनी फास्ट नहीं है। बिल्कुल, क्यों तो, कल रहेगी फास्ट, दो दिन की छुट्टी है। बिल्कुल सर। तो आज अगर 37-97 की बात करें तो नीचे में क्या, ऊपर में क्या? भी देखो 22-26 का बाजार है 37-97 का, जो टॉप क्वालिटी है, मासाखोरी है, वो 26 से बिक रहा होगा। हाँ, बाकी तो 24 तक की बाजार होगा मुझे लगता है। 24 तक है बाकी। बिल्कुल। और हल्का आलू जो 2-3 दिन का बैलेंस होगा वो 18 भी बिक रहा। अच्छा जी, 17-18 बेचा। बहुत बढ़िया। हाँ। और सर अपना हाइब्रिड में? हाइब्रिड 22 तक, 18 से 22 आलू। ठीक है जी। और 300-23 तक बिक रहा, एक आध लोड कोई बढ़िया होगा वो 24 तक बिक रहा। गुल्ला वगैरह? गुल्ला 18-18.5 ऊपर में, 15 में। हाँ, 15-18 का बाजार है। और लाल वाला सर? बढ़िया कलर वाला आ जाए तो वो 18-18.5-19 भी बिक जाए। लाल वाला क्या चल रहा है? लाल 28 रुपए बेचा। 28 रुपए ऊपर में? ऊपर में 25 से 28 का है। लाल की रिपोर्ट है ये पंजाब वालों ने खराब कर दी। अच्छा, पंजाब का आ रहा है लाल? पंजाब का आ रहा, वो 22-23-24 रुपए बिक रहा। अच्छा, उसने गणित खराब कर दी पूरी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। और ये वाला आलू क्या बिका सर? 300-22 रुपए बोल रहे। 22 रुपए, बहुत बढ़िया। तो भाई साहब कहाँ से हो? अच्छा, यूपी से। तो आज कितनी गाड़ी लेके आये हो? एक गाड़ी। बहुत बढ़िया। कौन सा माल था? 37-97 था या? अच्छा जी। तो बाजार क्या चला सर आज आपका? बाजार ठीक है, पीछे भी बाजार डाउन है, ऐसा नहीं है कि भी पीछे टाइट है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी आपके जो कोल्ड स्टोर वगैरह हैं तो उसमें अभी कितनी परसेंट निकासी निकली है सर? अब 40% मानो आप। 40%, बिल्कुल सर, बहुत बढ़िया। तो अभी जैसे 2.5 महीने अपने पास है तो 2.5 महीने में निकल जाएगा सर माल? देखो उम्मीद तो है, उम्मीद है, क्योंकि आवक बढ़ गई है, इसी वजह से बढ़ी है, क्योंकि समय अब थोड़ा कम रह गया है। उम्मीद तो है भाई। चलो जी, दो महीने का रह गया समय। बिल्कुल बिल्कुल, 2 महीने रहे क्योंकि पंजाब वाला शुरू हो जाएगा सर। बहुत बढ़िया सर। तो अनिल जी 2 महीने रह गए हैं मुझे लगता है। सुनो, हाँ 3-4 महीने में निकासी हुई है 40%। अच्छा जी। और 40% आलू अभी पड़ा है और महीने रह गए 2। बिल्कुल। तो आलू तो ये मान लो कब भी गणित बिगड़ सकती है आलू की। बिल्कुल। आलू की उम्मीद जो थी ना 30-35 की, वो बिल्कुल किसान अपने दिमाग से निकाल दे और बड़े आलू को रख ले, बल्कि हल्के आलू को निकाल दे, मेरी तो राय ये है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। मैं गया था यूपी 19 तारीख को। अच्छा, जो अलीगढ़ वाले जो आपका क्या नाम है वहाँ पे कोल्ड स्टोर है काफी सारे वहाँ पे। हाँ। अलीगढ़ का जो रोड है उस पे कौन से वो है? बीबी दास के नहीं नहीं लंबा इगलास। इगलास बहुत सारे कोल्ड स्टोर है, मैंने पहली बार देखा। कोल्ड तो 2200 कोल्ड है पूरे यूपी में? नहीं, उस साइड में बहुत ज्यादा है। वो इलाका पूरा इगलास, अलीगढ़। बिल्कुल मुरसान, सादाबाद, और बड़े बड़े कोल्ड स्टोर है। कोल्ड है पर मैंने बताया नहीं अपने व्यूअर को कि मैं वहाँ गया था। अच्छा, कोई समस्या थी फेसबुक पेज की वगैरह, तो उस सही बात है। तो वहाँ से क्या रिपोर्ट लेके आए आप? फिर रिपोर्ट में अपनी रिपोर्ट के चक्करों में था, क्या करूँ, समस्या मेरी अपनी थी तो मैं दूसरी चीजों पे ध्यान ही नहीं दिया। अच्छा। नहीं तो मिल के आता मैं जरूर लोगों से। तो आप ये इसके सिलसिले में गए थे आलू के, या अपना कोई पर्सनल काम? अरे फेसबुक पेज की कुछ प्रॉब्लम आ गई थी। अच्छा, उस एवज में गया था किसी से मिलने। अच्छा अच्छा।
बहुत बढ़िया सर, अपना मोबाइल नंबर 9667911777। अनिल कुमार शर्मा, वेदी फ्रूट कंपनी, A6 मोहाना मंडी, जयपुर। चलो जी, धन्यवाद। दोस्तों आलू देख सकते हैं, आलू की क्वालिटी, और ये लाल वाले आलू। चलिए सर से लेते हैं आज का क्या अपडेट रहा। कैसे हो सर? बढ़िया था, बहुत बढ़िया। तो सर आज आलू में क्या अपडेट रहा? अपडेट क्या साहब, 95-95 गाड़ी मंडी में, आज 100 भी हो सकते हैं ऊपर नीचे के आसपास, मानो सुबह काउंटिंग बता रहा हूँ। बिल्कुल, मतलब 100 के लमसम पहुंची गई। बिल्कुल, कल क्या है कि 31 गाड़ी बैलेंस रह गई थी। अच्छा जी, कल भी करीब 85 गाड़ी थी। बिल्कुल, इसमें 31 गाड़ी बैलेंस रह गई थी, तो लगभग 95-100 गाड़ी आज हो गई। तो सर आज 50 गाड़ियों के आसपास, 40 कम से कम 40 तो बैलेंस रहे, 40 बैलेंस रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल, तो आज पोजीशन क्या रही सर? पोजीशन देखो, बढ़िया माल तो 25 का सर रोज बिक रही है। अच्छा जी, चाहे 25 बिक जाए चाहे 26 बिक जाए। बिल्कुल, वो उसके कोई रोक नहीं, ज्यादातर माल बिक रहा, ज्यादातर बिक रहे हैं 18 से लेके और 22 के बीच में। अच्छा जी, अगर 37-97 की बात करें तो 37-20 रुपए से लेके और 25 के बीच में। अच्छा जी, अच्छा, और हाइब्रिड बिक रहा है नीचे में, 17 बिक रहा है, 18 बिक रहा है, 19 बिक रहा है, 17-20 के बीच में हाइब्रिड बिक रही है। बिल्कुल बिल्कुल, और ज्यादा बढ़िया कोई हाइब्रिड हो गया वो 22 का सब बिक जाए, अलग बात। बिल्कुल सर, और सर गुल्ला वगैरह क्या पोजीशन है? गुल्ला बस यही 15-18 को ज्यादा बढ़िया 20 बिक जाए। ठीक है जी, मतलब 15-20 के बीच में। और कल हमने गुल्ला 20 बेचा था, बढ़िया था, उसका आलू भी 20 बिका था। बिल्कुल, हाइब्रिड था पर गुल्ला चमक का ज्यादा बढ़िया था, गुल्ला भी 20 बिका और आलू 20 बिका। बिल्कुल, और सर अगर लाल वाले की बात करें तो? लाल वाले देखो 25-27 के बाजार है। अच्छा जी, कुछ ज्यादा बढ़िया 28 बिकते, क्यों? अच्छा, लाल का क्या है कि ग्राहक वही है, अगर माल ज्यादा आ जाता मंडी में तो वही माल 27 बिक जाता है, कम आ गया तो वही माल 28 बिक जाता है। बिल्कुल, और वही माल 26 बिक, जैसे ये माल पड़े है हम 27 घोष कर रहे हैं। बिल्कुल, ग्राहक 26 मांग रहे हैं अभी। अच्छा जी, हाँ, माल हम 27 घोष कर, ग्राहक 26 मांग रहे हैं, हम कोशिश यही कर रहे हैं भाई 27 निकल जाए। पर सर पंजाब से भी तो आलू देखने को मिल रहा है। पंजाब का नहीं है वो, वो एक्चुअली क्या है जो बोल रहे हैं ना वो आप। अच्छा जी, पंजाब का वैसे आलू आ रहा है, लेकिन लाल वाला भी आता है, लेकिन अभी जो जो बता रहे हैं पंजाब को बता रहे हैं, वो क्या है हाइफन कंपनी है एक। अच्छा जी, जो वहाँ अपना कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कराती है पंजाब में? ना ना ना, इधर इंदौर साइड में, गुजरात साइड। अच्छा जी, इंदौर गुजरात में, तो उनमें इस साल थोड़ा माल ज्यादा है, तो वो क्या है वो हाइफन कंपनी है, वो अपनी वेफर्स के लिए या चिप्स के बनाती है। अच्छा जी, उसका माल थोड़ा ज्यादा है, ज्यादा है, वो मार्केट में निकाल रहा है, क्यों? कुछ पड़ते में है। बिल्कुल, लिया तो वो करीब 22 का, 23 का, 24 का बिकवा रहे हैं। अच्छा जी, तो एक दो गाड़ी मंडी में आ रही है, गुजरात से आती है, हाइफन कंपनी है, हाइफन, तो उसकी वजह से लाल वाले में थोड़ा सा, तो लाल वाले सफेद जाली में आ रहा है वो, उसमें देखोगे आप तो उसके कट्टे पे भी हाइफन लिखा होगा। अच्छा जी, अच्छा, तो वो अपनी कंपनी का ही वो लोगो लगा रहे हैं उसमें, उसका ही लगा हुआ है। सर वो सामने गुल्ले है ना? हाँ ये, हाँ गुल्ला है। अच्छा जी, अच्छा, हाँ ये गुल्ला है, ये गुल्ला 20 रुपए किलो बिका था। अच्छा, ये कल बिका था? हाँ कल बिका था, कल का ग्राहक ने कुछ उठाया नहीं है, इसका कलर बहुत जोरदार है। अच्छा जी, अच्छा, ये कलर जोरदार है, साइज भी ठीक है। बिल्कुल 20 बिका था। बिल्कुल बिल्कुल, कलर बढ़िया था, मोहन आलू का, मोहन है, मोहन हाइब्रिड में आता है। बिल्कुल, मोहन आलू गुल्ला है, अगर सेठसन का ही बढ़िया गुल्ला होगा तो 20 बिकेगा। आज आपके पास कितनी गाड़ियां, कहाँ कहाँ से है सर? देखो मेरे पास तीन गाड़ी थी। अच्छा जी, वैसे मान के चलो, एक तो आपकी आगरा से है। अच्छा जी, एक कंदौली से है, और एक समझो आपको ये अपने फरे साइड की, ये जो सामने गाड़ी है ये तो मेरे नहीं है, पड़ोसी। अच्छा की है, हाँ हमारी एक तो ये है, जैसे ये है। बिल्कुल बिल्कुल, और एक गाड़ी तुल, एक उधर दुकान तुल रही है, पीछे, बिल्कुल वो पीछे तुल रही है, वो तुल रही है। तो माल बिक जाएगा या? माल देखो मेरा तो बिक जाएगा करीब, लाल में थोड़ा ये वहाँ से आया था। बिल्कुल, अपने सिरसरण साइड से लाल आया था। बिल्कुल, और बाकी मेरा तो बिक जाएगा करीब करीब, मंडी में माल लगा रहे हो 30-40 के बीच में बैलेंस रहेगा। बिल्कुल, पर वो अच्छा ये है, कुछ लोग खरीदेंगे क्यों, इतवार और सोमवार। बिल्कुल, सोमवार की जनवार की छुट्टी हमारी। बिल्कुल बिल्कुल, तो कल शायद हो सकता है कि अगर माल बहुत ज्यादा नहीं आया तो कल बैलेंस साफ हो सकता है, पिछली बार भी जो राखी का भी ऐसे छुट्टी पड़ी थी। बिल्कुल, इतवार और सोमवार की, तो शनिवार को माल साफ हो गया था। बिल्कुल बिल्कुल, तो सर क्या लग रहा है बाजार? देखो बाजार मैंने पहले भी कहा, अभी ये जो टाइम है अगस्त का महीना, अगस्त और कभी सितंबर मिड तक लगभग यही भाव चलेंगे। अच्छा जी, लगभग 20-25 बीच में हल्के सबके 17 बिक जाए, 18 बिक जाए। अच्छा कहानी ये है कि ये हल्के माल वहाँ भी कोई खरीद नहीं रहा है। बिल्कुल, ये लंबी चलानी के मंडी की नहीं है, जैसे साउथ में, महाराष्ट्र में ये माल जा नहीं पाते हैं, क्यों क्या इनका स्टेबिलिटी बहुत कमजोर है, कम है और रुकता नहीं है ज़्यादा, और अभी थोड़ा उमस खत्म नहीं हुई है, और उस उमस में ये दागी भी हो जाता है, अभी भी थोड़ा थोड़ा हो रहा है, पहले से कम हुआ है लेकिन अभी भी हो रहा है। बिल्कुल सर, तो सर बाजार यही स्टेबल रहेगा? बाजार तो यही रहेगा, मैंने पहले भी कहा बाजार अभी भी, जैसे बढ़िया माल, जैसे आप आगरा की बात करें
कोल्डों के जो बढ़िया बढ़िया शमशाबाद में, खंदौली में, आगरा में जो बढ़िया माल अभी भी 26, 27, 28 तक बिक रहे हैं। अच्छा जी, वो ज़्यादा बढ़िया माल है। हमने जैसे मेरा खुद का मतलब फार्म का माल अभी हमने आज से करीब करीब एक हफ्ते पहले, या हम 7 दिन पहले की बात होगी, 2911 रुपये क्विंटल ये वही बिका है, वो लग गया साउथ में। बिल्कुल, तो वो ज़्यादा बढ़िया माल बिक जाते हैं, लगे वहाँ पर भी बढ़िया माल 25-26 रोल अभी बिक रहे हैं, 26 का 27 का बिक रहा है। हल्के माल वहाँ भी कंपनी कोई खरीद रहा है और वो हल्के माल यहाँ रहे हैं। दूसरा चीज़ ये है कि यहाँ पैसा उनको तुरंत मिलता है, वहाँ पर महीने भर की उधार रहती है, किसान को जरूरत है। बिल्कुल, तो उसका कारण भी है, कुछ थोड़ी घबराहट लोगों ने कर दी है। बिल्कुल सर, क्योंकि घबराहट में क्या है कि सोच रहा है थोड़े थोड़े मंडी रुपए तो डाउन हुई ना, तो किसानों लग रहा है कि और डाउन भी हो जाए, और डाउन आवक बहुत बढ़ गई है सर, इसीलिए आवक बढ़ रही है, किसान में थोड़ी घबराहट है। लेकिन मैं ये कहूँगा किसान घबराए नहीं, अगर ज़्यादा घबराएंगे तो डाउन हो सकता है, बाकी अगर सही चलते रहे घबराए नहीं, बाजार 20-25 ठेका रहेगा। और मैं फिर कह रहा हूँ 20 से 30 के बीच में बाजार चलता रहेगा। बहुत बढ़िया, जहाँ ज़्यादा बढ़िया माल जैसे यहाँ तो नहीं बिके लेकिन आगरा बिकते रहेंगे, बिल्कुल 25-30 के बीच में, लेकिन यहाँ भी कोई 27 बिक जाए, 28 बिक जाए, यानी कुल मिला के मोटा मोटी 20 से 30 में चलते रहेंगे अगर घबराएंगे नहीं किसान तो। बिल्कुल, ज़्यादा माल नहीं फेंकें, अच्छा चलना। अब जैसे आज 400 गाड़ी होगी, ऐसे माल आएंगे तो भाई 2-4 दिन तो अपन मंडी को डांट लेंगे, संभाल लेंगे, लेकिन रोजाना इतना होगा तो बिल्कुल तो डाउन हो जाएगी, ग्राहक मेंटेलिटी बदल जाएगी, भाई माल बहुत है, मध्य है, मध्य है, तो ग्राहक भी कुछ साफ लेता है। तो थोड़ा सा कंट्रोल करें, आवक मंडियों की अपडेट लेते रहे, उसके हिसाब से माल चले, मतलब कोई थोड़ी अभी तो पूरा नवंबर दिसंबर तक कोल्ड का माल पकेगा। बिल्कुल, अभी जैसे ही सितंबर में लास्ट आएगा तो 20 का निकाय शुरू होगी, उससे मंडियों माल कम जाएंगे, उससे उछाल आएगा थोड़ा। दो महीने तो पूरे हैं, सितंबर और अक्टूबर तो पूरा पड़ा पूरे है, वैसे कह रहा हूँ 3 महीने पूरे, नवंबर में ही पूरा पुराना चलता है, नवंबर नए आने के बाद ही पुरानी डिमांड रहती है। बिल्कुल, और जो बाहर की मंडियां ना दिसंबर में भी चलती है, जैसे साउथ और महाराष्ट्र तो पुराना ही खाते हैं। बिल्कुल सर, वो तो और बहुत तेज होगा, बट मैं कह रहा हूँ वो हो सकता है कि 30 को क्रॉस भी कर जाए बाद में। बिल्कुल, लेकिन वो अभी नहीं, लेकिन ये माल भी ठीक चलेंगे, थोड़ा ध्यान रखें। और क्या है कि जैसे बीज की निकाय शुरू होगी, बीज में माल जाएगा तो कोल्डों से माल निकासी रास्ता कम हो जाती है। बिल्कुल, क्यों, पहले कोल्ड वाले बीज को निकालते हैं जिससे कि माल उनका खाली भी तो रहे। बिल्कुल, तो जैसे बीज की निकासी शुरू होगी तो राशन कम हो जाएगा, तो उस समय मंडियों माल कम जाएगा तो उछाल आएगा और बाजार फिर वही स्टेबल हो जाएंगे जैसे पहले बीच में थे। अभी जो डाउन है वो ऐसा भाव नहीं रहेगा। बिल्कुल शुक्रिया सर, अपना मोबाइल नंबर हमका नाम 92-140-51-151, शिव शंकर शर्मा, कालीचरण कंपनी, जयपुर। चलो जी, धन्यवाद। धन्यवाद।